अभी मैं जा रहा हूँ फोर्थ फ्लोर पे, और यहाँ पे मैं आया हूँ आई डिपार्टमेंट के लिए कांटेक्ट करने। क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है गाइस, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ये माँ को आँख का ऑपरेशन कराना है, तो इसलिए मैं आज यहाँ एम्स में आया हूँ। और थोड़ा मेरी नया भी है पटना एम्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं विजिट किया हूँ गाइस। एम्स पटना का एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप इन एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बनाया गया है। ये सारा ओपीडी है, यहाँ पे आप ओपीडी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है एम्स पटना, और जो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट आप यहाँ से एंट्रेंस के थ्रू आप अंदर जा सकते हैं, और यहाँ से सारा प्रोसेस आप आगे। दिल्ली की तर्ज पे इसको बनाया एम्स जो है, इसके नियर अबाउट आपको सब कुछ मिल जाता है, पार्किंग वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ज़्यादा आपको डिस्टेंस नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए आपको बहुत दूर जाना होगा। तो ऑल ओवर मेरा बहुत शॉर्ट ये था आज का, जो हम बस प्रोसेस को थोड़ा समझना था मुझे, इसीलिए मैं आज एम्स पटना आया था। और आगे आप देख सकते हैं सामने पार्किंग है, ये टू व्हीलर्स पार्किंग, और ये पूरा कैंपस है एम्स पटना का। यहाँ पे वो फुलवारी शरीफ से भी होते हुए आप आ सकते हैं। तो मैं बाईपास अनिसाबाद फुलवारी शरीफ होते हुए आया हूँ, करीब वहाँ से मुझे 8 से 9 किलोमीटर मुझे लगे हैं आने में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा व्यवस्था है, लिफ्ट है यहाँ पे आपको, तो काफ़ी बड़ा चौड़ा लिफ्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको आने जाने में। आप लिफ्ट का भी इस्तेमाल करके आप आ सकते हैं। तो गाइस अभी वक्त हो चुका है मुझे जाने का। आज बस मैं आया था, फर्स्ट टाइम था, मुझे लगा था कि पहली बार मुझे खुद जाकर वहाँ पे समझना होगा कहाँ पे कौन सी डिपार्टमेंट है, क्या प्रोसेस करना होता है। गाइस हमने यहाँ पे इंक्वायरी कर लिया है, तो हम किया गया है, ट्यूजडे को हमारा अपॉइंटमेंट होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम ट्यूजडे को हमें यहाँ पर आना होगा, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गाइस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो एम्स में फर्स्ट टाइम है, थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पे इसका प्रोसेसिंग होता है, कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट, लेकिन सब कुछ है, आपको गेट में एंट्रेंस गेट के पास आपको सारा कुछ डिपार्टमेंट वगैरह सब लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे।